नमस्कार किसान भाई, आज की इस वीडियो में बताऊंगा टमाटर के अंदर सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण। दोस्तों सफ़ेद मक्खी के कारण पहले ये बता दूँ दिक्कतें क्या आती हैं। दोस्तों सफ़ेद मक्खी के कारण पत्ते जो सिकुड़ने लग जाते हैं, ज़्यादा हैवी अटैक के कारण दोस्तों पत्ते बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं। उससे होता क्या है, एक तो जो पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, जिसकी वजह से पत्तों से फूल और फल दोनों झड़ने लग जाते हैं। पहले फूल झड़ेंगे ऊपर की तरफ से, फिर नीचे की तरफ से फल भी जो लगे हैं वो भी झड़ जाएंगे। दोस्तों इसमें ऐसा है कि सबसे पहले ऊपर की तरफ से ज़्यादा अटैक होता है, जो कि नरम पत्तियाँ होती है, धीरे धीरे करते सारा पौधा ही सिकुड़ने लग जाते हैं। दोस्तों इसके सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए आपको एक दवाई का छिड़काव करना है, जिसका नाम है थियामेथोक्साम 25% WG, जिसकी आप इमेज भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसका छिड़काव आप 80 ग्राम 200 लीटर पानी में छिड़काव मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव करने के बाद ही आपका ये जो सफ़ेद मक्खी का जो प्रकोप है ये ख़त्म हो जाएगा। पहले एक बात और, अगर इसके स्प्रे करने के बाद अगर बारिश भी आ जाए, इसकी दवाई सूखने कुछ ही देर बाद अगर बारिश भी आ जाए तो भी इसका असर ख़त्म नहीं होता। ये दवाई आप दूसरी कई फसलों पर भी आजमा सकते हैं, जैसे धान, कपास, भिंडी, आम, सरसों, टमाटर, बैंगन, चाय, नींबू के पौधे, मतलब इन सभी के ऊपर, फसलों के ऊपर आप इसका यूज कर सकते हैं, पर इसका सबसे ज़्यादा यूज भिंडी और टमाटर पर किया जाता है। तो यही थे आज के इस वीडियो में।